हेलो फ्रेंड्स, ये जो स्लीपिंग बुद्धा का एक स्टोन स्कल्पचर लक्सर है वो प्रॉपरली कैमरे में नहीं आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब देखिए इसका कलर, ये हेलो फ्रेंड्स, ये जो स्लीपिंग बुद्धा का एक स्टोन स्कल्पचर आप लोग देख रहे हैं, ये रखा हुआ है हमारे जो भिल्ला है बेंगलोर में, उसका सामना गार्डन पे। ये हमारे लिए बहुत एक यूनिक चीज़ है, प्राइसलेस चीज़ है। इसको हमारे एक बहुत क्लोज फ्रेंड ने हम लोग को गिफ्ट में दिए हैं। हम लोग पहले सोच रहे थे इसको कहाँ पे रखें, डिसाइड किए कि हमारा एक भिल्ला, जो भिल्ला आप लोग को दिखाऊंगी बाद में, उसके बारे में मैंने कभी मेरे ब्लॉग में बात नहीं किया। सो इसका सामने एक गार्डन है, वही गार्डन में हम लोगों ने इसको प्लेस किया है। देखने के लिए बहुत सुंदर है, ये आप लोगों को क्लोज व्यू में दिखा रही हूँ। देखिए एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सविताज क्रिएटिविटी। कैसे आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, मस्ती कर रहे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, बट एक्चुअली ना कैमरा खोलने का कोई मकसद नहीं था। सडनली एक चीज़ मेरे पास आई तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, बाद में भूल जा सकती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कैमरा ऑन कर दूँ, आप लोगों के साथ बॉक बॉक चालू कर दूँ। सो आप लोग बोर हो जाएंगे ना? नहीं, मैं जितना आप लोगों को, मेरे फ्रेंड्स लोगों को जानती हूँ, कोई बोर नहीं होगा। सो ये अभी क्या हुआ है ना, आज खुद थोड़ा खुद को पैम्पर करने का मन हुआ, तो जो अर्बन कंपनी है उनके पास मेरा अपॉइंटमेंट था कुछ कुछ करवाने के लिए, जैसे हेड में ऑयल मसाज और मेरी पेडिक्योर मैनीक्योर वगैरह। अभी अभी एक्चुअली 3 घंटा का काम करके निकली हूँ, और खुद को पैम्पर करके, खुद को थोड़ा सा प्यार दे के, खुद को, अपने आप को सब कुछ किया। उसके बाद गई, एक अच्छा सा सार लिया, अभी बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ। सार लेके आ रही थी, एक चीज़ आके पहुँचा, तो मेरे को लगा कि मैंने आप लोगों के साथ उसको शेयर कर दूँ। ढूंढ रही हूँ कहाँ रखी। एक्चुअली आपको, आप लोगों को जैसे पता है, मेरा बर्थडे और एनिवर्सरी था, तो बहुत सारे लोग मेरे पास कुछ ना कुछ गिफ्ट आइटम्स ऐसे सब भेजे हैं। सो वो सब मैं बोली थी आप लोगों को दूसरा ब्लॉग में शेयर करूँगी ज़रूर। आज टाइम मिलेगा तो करूँगी आप लोगों के लिए वो वाला जो गिफ्ट मिला उसका शूट, और कुछ शॉपिंग भी किया उन लोगों के लिए, वो भी पेंडिंग है आप लोगों को दिखाने के लिए, वो भी करूँगी। थोड़ा आलसी हो गई हूँ, 3-4 दिन से घर में हाउसमेट नहीं थे, तो प्रॉपरली ब्लॉग नहीं जा पाया, सॉरी फॉर दैट। सो और क्या करूँ, अभी जो आप लोगों को दिखाऊँगी, मेरी एक फ्रेंड है जो हैदराबाद में रहती है, तो वो मेरे लिए एक्चुअली एक चीज़ भेजी है। मैंने आप लोगों को दिखाती हूँ वो वाला चीज़ क्या है, मेरे बहुत प्यारी, मुझे बहुत प्यारा लगा। ये देखिए, ये है वो भेजिए मेरे लिए एक पेयर ऑफ बैंगल्स। आप देख सकते हैं ये बैंगल्स को, ये बहुत सुंदर एक बैंगल है, और बैंगल कलेक्शन मेरा एक हॉबी है। ये पूरा राउंड नहीं है, उसका शेप थोड़ा अलग है। ये वाला जो है ना, इसमें अमेरिकन डायमंड शेप किया हुआ है, और ये बहुत एक कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा है, तो उसका जो लक्सर है वो प्रॉपरली कैमरे में नहीं आ रही है, मुझे पता है, बट ये बहुत सुंदर है। मैं आपको इसको पहन के एक बार दिखा देती हूँ कैसे लग रहा है। ये उसको देख के मन बहुत खुश हो गया, सुबह सुबह कुछ गिफ्ट मिल गया, बहुत सारे तो मिला है, उसको आप लोगों को नहीं दिखाई, बट इसको देख के ना बहुत मज़ा आ गया। मुझे बैंगल कलेक्शन बहुत अच्छा लगता है, बैंगल चेंज कर करके पहनती हूँ। देखिए ये वाला, ये है मेरा बैंगल, और एक चीज़ उसके साथ तो भेजी है, वो भी मैंने पहन के रखी हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। ये है एक ब्यूटीफुल चाम ब्रेसलेट, ये भी बहुत सुंदर है एक्चुअली, सिल्वर कलर में है, बहुत सुंदर है ये वाला ब्रेसलेट। देखिए आप लोग, ये बहुत सुंदर है, हाथ को भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो आप लोग बताइए ये मेरा गिफ्ट कैसा लगा आप लोगों को, और ज़्यादा कुछ नहीं है, ये दोनों चीज़ जस्ट आके पहुँची, इसलिए सोचे कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, रुक नहीं पाई खुद को, तो आके शेयर कर दिया। अभी जा रही हूँ, बहुत सारा काम है, नहा के आई हूँ, पूजा भी कर दिया, जा रही हूँ, लंच का टाइम हुआ है ऑलरेडी, 1 PM है। सो
चाय पे चर्चा करेंगे आज आफ्टरनून में, जब चाय पीऊंगी तब बैठ के आप लोगों को सब क्या क्या खरीदी शायद, और आप लोगों को मेरा गिफ्ट सब दिखाऊंगी। गिफ्ट नहीं दिखा पाऊंगी तो आप लोगों को शॉपिंग दिखाऊंगी, जो जो शॉप किया मैंने लास्ट बर्थडे और एनिवर्सरी में। हम लोग गए थे फिनिक्स मॉल और बर्थडे को गई थी मैंने मंत्री स्क्वायर मॉल, दोनों से कुछ कुछ खरीदी हूँ। जो भी खरीदी हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी चलिए जाके पेट पूजा करना है, भूख लगी है। आप लोगों को भी भूख लग गया होगा, 1 बज चुका है। चलिए आप लोग भी खाइए, मैं भी खाना खाने के लिए जाती हूँ। सो आके मिलेंगे आफ्टरनून में चाय के साथ। ओके बाय फ्रेंड। ये अभी आप लंच खाने के बाद हर दिन थोड़ा सा नैप लेती है, वो कारपेट के ऊपर रॉक के ऊपर सो गई है। और काप ये स्पार्कल आया और उसके पास कितना अच्छे से बैठा है। अब सब देखिए दोनों का बॉन्डिंग, तो देखिए उसको डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा है, आराम से बैठा है। हेलो स्पार्कल, हनी दीदी सो रही है। हनी दीदी जब उठ जाएगी ना तब स्पार्कल खेलेगा हनी दीदी के साथ, है ना स्पार्कल? स्पार्कल को भी नींद आ रहा है। नीनी आ रहा है। अरे बाबा देखिए आप लोग को मजा लगेगा, तो आप लोग को देखने को मिलेगा कैसे दोनों के बीच में बनेंगे, इसलिए मैंने क्या क्लिप ऐड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का चाय पीना हो गया? मेरा नहीं हुआ, मुझे चल लगा कि थोड़ी देर के बाद पीऊँगी। अभी क्या है ना, आप लोगों जैसे प्रमिस की थी कि चाय पे चर्चा करेंगे, गपशप करेंगे, और मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग की वो जो मॉल से मार्केट 99 स्टोर से, आप लोग देखे होंगे मेरे ब्लॉग में, वो ब्लॉग आप लोगों ने दे ही देखा, तो वो मेरा आई थिंक बर्थडे ब्लॉग में है। सो मैं वो ब्लॉग का लिंक आप लोगों को ये ब्लॉग के नीचे दे दूंगी, आप जाके उसको देख सकते हैं। मार्केट 99 स्टोर एक सुपर स्टोर जैसा है, उसमें सब कुछ मिलता है, होम डेकोर से स्टार्ट करके कुछ खाने पीने का सामान, कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स, कुछ आर्टिफैक्ट, सब कुछ मिलता है। सो वो एक बहुत मैंने यू नो जिसे बोलते हैं ना, बहुत अच्छा सामान बहुत रिजनेबल प्राइस में मार्केट 99 में मिलता है। मैं वो ब्लॉग में शायद आप लोगों को कुछ कुछ क्लिप्स दिखाई मार्केट 99 स्टोर का, आप लोग जाके जरूर देखिएगा। वो बैंगलोर में है, मुझे नहीं पता कि दूसरे सिटी में ये वाला चेन है कि नहीं, बट बैंगलोर में कुछ मॉल में ये वाला स्टोर है। मैंने जो दो मॉल लास्ट 2 ब्लॉक्स में आप लोगों को दिखाई, दोनों मॉल में 99 स्टोर था। मैंने खुद को संभाल नहीं पाई, मेरे को जैसे होम डेकर का कीड़ा है, मैं जहाँ पर जाती हूँ होम डेकर का कुछ सामान, घर का कुछ सामान देखती हूँ तो उसको ज़रूरत हो ना हो उसको लाती हूँ। वो मेरा सबसे एक यू नो लाइक क्या बोलेंगे, ये अच्छी बात तो नहीं है, बट कभी कभी मन करता है कि नहीं चलो ले ही लेते हैं। सो उससे पहले एक चीज़ आप लोगों को दिखा रही हूँ, वो सब गिफ्ट दिखाने से पहले, आज मेरी एक फ्रेंड ने जो ये अपार्टमेंट में रहती है वो मेरे लिए क्रिसमस का सुंदर सा केक भेजी। देखिए आप लोग, ये क्रिसमस ट्री के शेप में है, उसमें ऊपर एक क्लियर रैप है जिसको मैंने खोला नहीं, तो मैंने केक का टेस्ट नहीं किया। जैसे देखने के लिए इतना क्यूट है ना, मुझे लग रहा है उसका टेस्ट भी उतना अच्छा होगा। थैंक यू एलसी फॉर गिविंग मी सच ए ब्यूटीफुल केक। सो ये गया, मैंने सोचा ये बहुत सुंदर शेप का है। आप लोग भी ऐसे डिफरेंट टाइप का मोल्ड क्रिसमस थीम में केक बनाना चाहते हैं तो डिफरेंट टाइप का मोल्ड अवेलेबल है, ऑनलाइन में भी है, ऑफलाइन में भी है। आप लोग इसको खरीद सकते हैं और इसके अंदर बैटर रख के डायरेक्टली ओवन में बेक कर सकते हैं ओवन में, तो आप लोगों को ब्यूटीफुल शेप का क्रिसमस केक मिल जाएगा। सब लोगों को तो क्रिसमस केक पसंद है ना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन क्रिसमस केक बना रहे हैं। मुझे पर्सनली प्लम केक इतना अच्छा नहीं लगता, बट ये क्रिसमस का सीजन है, हवा में भी क्रिसमस का फीलिंग है, तो हम लोग एंजॉय करते रहते हैं क्रिसमस के नाम में, नाम पे हम लोग केक खाते रहते हैं।
चलिए बहुत बकबक कर दिया, अभी दिखा रही हूँ क्या क्या सामान मैंने खरीदा मार्केट 99 से। आप लोग बताइएगा कि ये कैसा हुआ है मेरा, उसका कुछ प्राइस याद नहीं है। जैसे मार्केट 99 सोच के आप लोगों को लग रहा होगा कि 99 रुपीज़ में सामान मिलती है, नहीं ऐसा नहीं है। वो जो सामान का प्राइस है उसका लास्ट डिजिट 9 में होता है। जैसे स्टार्ट करके आप सपोज 129, 199, 249, 379 ऐसे एट्सेट्रा 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 ऐसे ही होता है। तो चलिए मेरा फास्ट जो परचेज मैं आपको दिखा दूँगी वो मेरा मेरी फेवरेट, मेरा जो फेवरेट चीज़ है वो है मेरा टी मॉग। देखिए इसका कलर, ये ब्यूटीफुल सा टी मॉग है जिसके सामने लिखा हुआ है बंजर। देखिए ये मैंने दो लाई हूँ, एक मेरे हस्बैंड के लिए एक मेरे लिए, दो कप है। वो इतना सुंदर है कि उसको देख के मैंने खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। मेरे पास टी और कॉफ़ी मॉक का बहुत सारा कलेक्शन है, अलग सा एक ब्लॉग बनाऊंगी आप लोगों को दिखाने के लिए। इसका जो प्राइस है वो है ईच मॉक 129 का है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, इसमें स्टिकर है 129 का है। तो ये दोनों 258 का ये दो कॉफ़ी मॉग है। इसका कलर की वजह से इसको मैंने लाया, वो ब्यूटीफुल सा येलो कलर है जो मुझे बहुत पसंद है। ये गया मेरा फर्स्ट परचेज जो कॉफ़ी मॉग है। सेकंड चीज़ भी मैंने किचन के लिए कुछ खरीदी हूँ, जो मेरा फेवरेट चीज़ है अगेन वो है ये वाला दो जार। एक्चुअली मार्केट 99 में जार का कलेक्शन बहुत बहुत अच्छा है, इतने सारे वेराइटी आप लोग सोच भी नहीं सकते। ये जो मॉग है इसमें लिखा हुआ है नमकीन, मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें आप नमकीन रख सकते हो। ये एक ग्रे और क्लियर ग्लास का कॉम्बिनेशन है। वो मार्केट 99 से मेरे पास एक तीन वाला डब्बी का सेट है जिसको टी कॉफ़ी एंड शुगर कर ऐसे ऐसे आप एक सेट में तीन डब्बा मिलता है जिसमें टी कॉफ़ी एंड शुगर लिखा जाता है, और आप किचन में उसको सुंदर से बहुत अच्छे से उसको सजा सकते हो, डेकोर पीस बन जाता है। वो मेरा जो तीन डब्बा है मैं जब आप लोगों को किचन टूर दिखाऊंगी ना वो दोनों भी दिखाऊंगी। और भी एक सेट दो वाला डब्बा मैंने खरीदी थी इससे पहले जब गई थी 99 में, वो वाला दो डब्बे में मैंने नमकीन रखी हूँ। ये दो डब्बे में नमकीन लिखा हुआ है। सो जो निकनैक सॉल्टी थिंग्स है जो चाय के साथ हम लोग खाते हैं कुछ कुछ ना कुछ, वो नमकीन इसमें रखूँगी। ये गया मेरा सेकंड परचेज। मेरा जो थर्ड परचेज है वो है ये वाला एक कैंडल स्टैंड बोलिए या लैंटर्न बोलिए जो भी बोलिए, ये भी येलो कलर का है। देखिए ये वाला कितना सुंदर है, ये एक यू नो लाइक मॉस्टर्ड येलो कलर का है जिसके ऊपर एचिंग किया हुआ है, सेल्फ प्रिंट है। हनी डोंट शाउट, हमारा हनी एक्चुअली घर से बाहर और रूम से बाहर जाने के लिए वेट कर रही है, इसलिए सी इज बाकी। सो ब्यूटीफुल सा ये दो सेट मैंने लाई। हनी कम एंड सीट हियर, मम्मा इज टॉकिंग टू हर फ्रेंड, यू हैव टू सीट। ओके मैं दिखाऊँ हनी को, आप लोगों को दिखा देती हूँ। हनी से हेलो, हनी से हेलो टू माई फ्रेंड्स, हनी सेज हेलो टू ऑल ऑफ यू। सो ये हो गया है मेरा दो कैंडल होल्डर जिसको मैंने घर का एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे रख, सॉरी फ्रेंड्स कैमरा ऑफ हो गया आप लोगों को दिखाते तो कैमरा चार्ज करके फिर आ गई। सो ये मेरा नेक्स्ट जो परचेज है आप लोगों को दिखाई। इसके बाद और घर का कुछ कुछ सामान लाई, ये वाला देखिए, ये एक बिस्किट का डब्बी लाई, ये वाला आप लोगों को सबको पता होगा, हम लोग जब छोटे थे ना ये वाला बिस्किट हम लोग चाय के साथ बहुत खाते थे, सॉल्टी बिस्किट है ये, बहुत फेवरेट है। पता है इसका, इसको देख के मुझे मेरा बचपन याद आ जाती है। उसको मैंने चाय के कप में तीन चार एक साथ डुबा देती थी और उसको स्पून में निकाल के खाती थी, बहुत मज़ा आता था। आप लोगों से सबको ही किए होंगे, सबको ही नहीं तो कोई डेफिनेटली मेजॉरिटी लोग तो ये बिस्किट खाए होंगे चाय के साथ, जो कोई ने खाया मुझे ज़रूर बताना। इसमें इसको चाय के साथ खाने से मज़ा आ जाता है, बहुत बहुत अच्छी लगती है, क्रंची नमकीन सा बिस्किट, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है बट बहुत टेस्टी है। ये वाला हो गया। उसके बाद मैंने क्या लाई, उसके बाद मैंने
ये वाला ये मेरा सबसे फेवरेट परचेज है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है पानी, पानी पी ए इंग्लिश अल्फाबेट पी ए लिखा हुआ है, नी हिंदी लेटर में लिखा हुआ है। बट इसको मैं पानी रखने के लिए नहीं लाई हूँ, इसको मैंने और एक सुंदर सा डेकोर पीस के हिसाब से यूज करूँगी। जब करूँगी आप लोगों को जरूर दिखाऊँगी वो। ये जब मैं देखी, एक मॉव कलर था और एक क्लियर ग्लास का भी था। क्लियर ग्लास ऑलरेडी मेरे पास है तो इसलिए मैंने इसको पिकअप किया। इसको कैसे यूज करूँगी आप लोगों को जरूर दिखाऊँगी। सोचिए सोचिए क्या दिखाऊँगी अभी, कैसे करूँगी, क्या करूँगी, ये सब चीज़ आप लोगों को दिखाऊँगी। इसमें क्या होता है ना, डेकोर पीस सब लोग खरीदते हैं बट उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना, उसको थोड़ा सा इंटेलिजेंटली खुद का टच दे के उसमें एक नया ट्विस्ट लाना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं चीज़ खरीदती रहती हूँ एंड वो लोग उसको सब स्टोर करके रखती हूँ। क्योंकि मुझे क्या लगता है ना, एक महीने के अंदर जो घर का डेकोर है वो थोड़ा सा बोर सा लगती है, तो मैं क्या करती हूँ, एक दो डेकोर पीस इधर से उधर कर देती हूँ। एक दो नया डेकोर पीस जो स्टोर में रखा हुआ है, रिजर्व में रखा हुआ है, उसको ला के ऐड कर देती हूँ और इससे कुछ लेके फिर वो रिजर्व में रख देती हूँ। ये मैं करती रहती हूँ। इसमें से एक नया लुक आ जाती है, इसमें एक फ्रेशनेस फील होती है कि आप लोग को वही सामान एक महीने के बाद पुराना सा लगता है, फिर दो महीने के बाद वही सेम सामान को ला के आप उसमें रख दीजिए, उसमें एक नयापन आ जाती है। सो मुझे ये करना बहुत अच्छा लगता है। सो आप लोग के आप लोग भी कर रहे होंगे, जैसे हम लोग बेडशीट्स वगैरह भी यूज़ करते रहते हैं, कुछ दिन यूज़ करते हैं फिर रख देते हैं, फिर निकाल के रखते हैं। ड्रेस का भी वही हाल है, ड्रेस वही सेम पहन पहन के बोर लग जाता है तो हम लोग रख देते हैं। जैसे सीजन के हिसाब से हम लोग ड्रेस भी पहनते हैं ना, सो विंटर का ड्रेस विंटर ख़त्म होने के बाद फिर क्लीन करके हम लोग रखते हैं, नेक्स्ट विंटर को जब वो निकाल के हम लोग पहनते हैं उसमें बोर नहीं लगता क्योंकि बीच में पूरा लंबा सा गैप हो जाती है। छोड़ो बहुत सारे बात किया, ये हो गया। उसके बाद और कुछ ज़्यादा नहीं, मेरे को जैसे आप लोग को पता है गार्डनिंग का बहुत शौक है। ये वाला एक गार्डन में यूज़ करने के लिए, माटी को ऐसे मिट्टी को ऐसे खुश करने के लिए ये वाला टूल मैंने खरीदा, वो भी मार्केट 99 से खरीदी। अच्छा भूल गई मैं, ये वाला जो जार है इसका जो प्राइस मैं आप लोग को बताऊँ, 349 है। दिखा देती हूँ आप लोगों को, ये 349 है। और उसके बाद ये वाला जो कैंडल स्टैंड आप लोगों को दिखाई, इसका प्राइस कितना था, 229 था। आप लोगों को कैमरा फोकस, ये 229 का है। उसके बाद मैं ये दो परफ्यूम लाई, इभा मेरा वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है जिसको मैंने यूज़ करती हूँ, दो परफ्यूम भी वहाँ से लाई मैंने। और उसके बाद क्या लाई, उसके बाद ये वाला नमकीन लाई। ये वाला क्या है, ये वाला पुदीना सोया पुदीना चिप्स है। पुदीना चिप्स मैं खाई हूँ बट सोया पुदीना चिप्स मुझे कुछ अलग सा लगा, उसको टेस्ट करने के लिए चाय के साथ या कभी कभी आफ्टरनून में थोड़ा सा चटर पटर करने का मन करता है, उसके लिए मैंने ये वाला टकट लाई। उसके बाद और क्या लाई, आप लोगों को जैसे पता है मेरे पास बहुत सारे इंडोर प्लांट्स हैं, उसको रखने के लिए एक्चुअली डायरेक्टली नीचे नहीं रखा जा सकता, रखने से वो टाइल वगैरह क्लीन नहीं हो पाती। और हम लोग जब वाटरिंग करते हैं प्लांट को तब नीचे से जो होल है उसमें से मिट्टी आके घर को गंदा कर देता है। सो प्लेट बहुत ज़रूरी है, मुझे कुछ प्लेट कम पड़ रही थी तो इसलिए मैंने यहाँ इसका 1 2 3 4 5 6 प्लेट्स लाई, प्लास्टिक प्लेट्स जिसके ऊपर मैं रख सकती हूँ मेरा पॉट। इसका प्राइस है ईच पॉट का 39 रुपीस। ये 39 रुपीस एक होता है। सो मैंने आप लोगों को मेरा पूरा सामान जो जो खरीदी मैंने मार्केट 99 से उसको दिखा दी। आप लोगों को मेरा शॉपिंग कैसा लगा मार्केट 99 से आप लोग ज़रूर बताइएगा। इतने सारा सामान से जो सामान सबसे अच्छा लगा वो भी मुझे बताइएगा। सो मुझे लगेगा कि मैं जो शॉपिंग की दूसरों को, मेरे फ्रेंड्स लोगों को भी मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने वो यूज़फुल लगेगा, अच्छा लगेगा। सो ये था मेरा पूरा शॉपिंग। सो ये सब चीज़ के साथ आज का ब्लॉग यहीं पर कंप्लीट करती हूँ। फिर आप लोगों के साथ मिलते हैं और एक छोटा सा प्यारा सा इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग के साथ। और ये ब्लॉग कौन से भी रीजन से अच्छा लगा तो आप लोग मेरे ब्लॉग को एक लाइक करना, लाइक नहीं करके मत जाना फ्रेंड्स,
वो लाइक करने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, ब्लॉग को सब्सक्राइब करने के लिए भी कोई पैसा देना नहीं पड़ता है, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लीज़ आप लोग लाइक करना, सब्सक्राइब करना ब्लॉग को, उसके पास जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, और उसके बाद मेरा जो ब्लॉग व वीडियो मेरा चैनल में अपलोड मैं करूँगी, सब कुछ आपके पास नोटिफिकेशन जाकर पहुंच जाएगा, आप लोगों को पता चलेगा मेरे ब्लॉग के बारे में। और मैं कोशिश करूंगी हरदम आपके पास नया नया इन्फॉर्मेशन, नया नया कंटेंट लेके आने के लिए, ये मेरा कोशिश रहेगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों के साथ, मैं ट्राई भी करती हूँ। उसके बावजूद आप लोगों का कुछ पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट है, आप लोग देखना चाहते हैं, तो मेरे ब्लॉग के नीचे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, लव यू ऑल।